स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रीफ डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहले हमारे स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल है। सबसे पहले जो साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था वो एज सोल डिफाइन किया गया था कि साइकोलॉजी है वो स्टडी है सोल की। सोल क्या होती है? सबको पता है कि सोल जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जब तक बॉडी अलाइव है तब तक सोल है, और जब बॉडी ख़त्म तो सोल भी चली जाती है। ठीक है, अब या सोल चली गई तो बॉडी भी ख़त्म। ठीक है, तो फिर इस डेफिनेशन के साथ ये इशू था कि ये जो है साइकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ सोल नहीं कह सकते, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ लिविंग बींग्स की स्टडी है। अब इसमें कौन कौन थे? ये पाइथागोरस था, सोक्रेट्स था, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, ऑगस्टाइन था। ठीक है, तो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये जो सोल है ना, हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको फील कर सकते हैं। इस वजह से हम जो हैं जिन चीज़ों को फील नहीं करते, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, तो फिर हम उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड क्या होता है? एक चीज़ होती है ब्रेन, एक चीज़ होती है माइंड। ब्रेन जो है फिज़िकल होता है और माइंड फिज़िकल नहीं होता। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। तो माइंड की स्टडी जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आई थी कि जो स्टडीज़ है वो साइकोलॉजी की, वो माइंड की स्टडी है। उसके अंदर क्या क्या आता है? इंसान की इमोशंस, फीलिंग्स, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कुछ आपके माइंड में आता है। ठीक है, जाहिर है आप माइंड से ही अपने इमोशंस को फील करते हैं, या अपनी कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी माइंड से ही करते हैं। जो कुछ आप दबाते हैं वो भी दिमाग के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स आते थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, ये जॉन लोक। ठीक, अब मेंटल प्रोसेस के एस्पेक्ट्स बताए हुए, कॉग्निशन, कोनेशन, अफेक्शन, के जो इंसान का माइंड है उसके तीन प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, कॉग्निशन क्या होती है? वो चीज़ जिसके बारे में हम सोचते हैं। जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं या जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, लर्निंग अ स्किल और नोइंग अदर मैटर्स। ठीक है, उसके बाद आती है कोनेशन। ये चीज़ होती है जो कि रिएक्शन में आती है। द एक्शन दैट टेक प्लेस इन रिएक्शन टू सम अर्ज और ड्राइव, यानी अब किसी चीज़ के बारे में आपने सोचा, उसके बाद जो आपने एक्शन लिया उसको हम कहते हैं कोनेशन। ठीक है, तो ये जो माइंड का दूसरा एस्पेक्ट है वो है कोनेशन। अफेक्शन ये होती है कि जैसे आपने एक चीज़ के बारे में सोचा, फिर आपने उसके बारे में फील क्या किया। ठीक है, वो जो फीलिंग चीज़ होती है वो अफेक्शन होती है। अब इसमें आगे एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड बताए हैं, कितने माइंड के एस्पेक्ट्स होते हैं? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये है कॉन्शियस। सबकॉन्शियस ये है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने कल रात को क्या खाया। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। या मैं पूछूं कि आपने 3-4 दिन पहले कहाँ गए थे। ठीक है, तो वो भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप बता देंगे। अनकॉन्शियस वो होता है जिसको आप अपने माइंड के अंदर रिप्रेस करते जाते हैं या दबाते जाते हैं। ठीक है, वो आपका जिसे कहते हैं इंसान भूल जाता है वक्त के साथ। ठीक है, वो चीज़ें जो दिमाग में रहती हैं लेकिन वो क्योंकि उनको इतना ज़्यादा रिप्रेस करता गया है तो वो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कॉन्शियस जिसके आप अभी अवेयर हैं, एक है सबकॉन्शियस जो कि अभी प्रेजेंट तो नहीं है लेकिन 2-4 दिन या 3 दिन के बाद आप उस चीज़ को उसको मेमोराइज कर सकते हैं, चीज़ को दोहरा सकते हैं। उसके बाद आती है अनकॉन्शियस जो कि बिल्कुल जिससे आप अवेयर नहीं होते मोमेंट पे। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका क्या क्रिटिसिज्म था। इसका क्रिटिसिज्म ये था कि जो मेंटल प्रोसेस होता है वो इंसान खुद ही अपने बारे में बता सकता है। ठीक है, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या रिएक्शन के बारे में सोच रहा है, वो सब वो खुद ही बता सकता है। आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो हर वक्त चलते रहते हैं। ठीक है, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यही ऐसा ही है ना कि हमारे सामने कोई इंसान बैठा हो तो हम उसको देख नहीं रहे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ना ही हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही सोच रहा है। माइंड जो है वो इमटेरियल थिंग है। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी है, जिसका आपने पीछे भी पढ़ा है। इट हैज़ नो सब्सटेंस, वी कैन नॉट परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट विदाउट सीइंग इट और फीलिंग इट। हम दिमाग के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट, सॉरी माइंड के ऊपर या मेंटल प्रोसेस के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते। उसके बाद हम बस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर हैं अभी। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि अभी कॉन्शियसनेस में आप क्या है, मीन्स इमीडिएट अवेयरनेस कि अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसको कहा गया था कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ इंसान की कॉन्शियस स्टेट्स की अवेयरनेस से रिलेटेड है।
कॉन्शियस स्टेट्स की स्टडी से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन सी दो तरह की, जेम्स ने जो है वो कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स बताए हैं, फोकल और मार्जिनल। फोकल कॉन्शियसनेस ये होती है पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस अदर देन फोकल कॉन्शियसनेस, जिस चीज़ को आप फोकस करते हैं, ठीक है। एक कोई ना कोई चीज़ हमारी अवेयरनेस में होती है जिसको हम अपना फोकस बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है फोकल कॉन्शियसनेस। दूसरी होती है मार्जिनल कॉन्शियसनेस। मार्जिनल कॉन्शियसनेस ये होती है सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। द सपोर्टर्स ऑफ सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कंटेंट दैट कॉन्शियसनेस फॉर्म्स अ टाइनी पोर्शन ऑफ माइंड, कि कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ थोड़ा सा हमारे दिमाग का हिस्सा है, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस अदर देन फोकल कॉन्शियसनेस, यानी अब जो हमारे दिमाग का फोकस है एक चीज़, उसके अलावा जो चीज़ है वो हमारी मार्जिनल कॉन्शियसनेस होती है। देखें जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आप टीचर के लेक्चर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप आसपास की चीज़ों के बारे में भी कंसर्न हैं, आप उनके बारे में भी कॉन्शियस हैं, लेकिन आप उनको फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो होती है मार्जिनल कॉन्शियसनेस। जैसे आपको पता होगा कि आपकी कॉरिडोर में से लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, या आपकी क्लास में कोई बच्चा हिल रहा है या कोई बुक खोल रहा है, लेकिन आप अपने टीचर के लेक्चर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होती है फोकल कॉन्शियसनेस। और मार्जिनल होती है जिसको बारे में आप अवेयर होते हैं लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब इसका हमारे पर क्या जो है वो क्रिटिसिज्म आया था, वो ये था कॉन्शियसनेस जो है वो अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जाहिर है कि उसको भी हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी स्टडीड साइंटिफिकली, सब्जेक्टिव स्टेट होती है कॉन्शियस जो है ना। अब देखें इंसान फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो वही बता सकता है, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहा है। अब आप क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, अगर वो लेक्चर को सुन रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो बिल्कुल फोकस होकर सुन रहा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव स्टेट होती है। By confining psychology study of consciousness only we would exclude subconscious. अगर हम सिर्फ consciousness से फोकस करें तो उसका मतलब ये है कि हमने ना subconscious को स्टडी करना है, हमने ना unconscious को स्टडी करना है, फिर तो उसका स्कोप ही ख़त्म हो गया, ठीक है। सिर्फ हम उसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सामने है और जिससे इंसान अवेयर है, बस वो गया और स्टडी ख़त्म, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है कि हर चीज़, हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई काज होती है, और वो काज कहाँ पे होती है, अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। उसके बाद है वो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके कौन कौन से जो है वो कंट्रीब्यूटर्स हैं, थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, ठीक है, ये आप ये बुक में पहले लिखे हुए हैं, हालांकि इनकी कंट्रीब्यूशंस आगे हैं, ठीक है। अब जो साइकोलॉजी है उसको बिहेवियर की स्टडी क्यों कहा गया, क्योंकि आप बिहेवियर को देख सकते हैं, आप किसी के बिहेवियर को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान अपने टीचर को लाइक करता है, ठीक है, तो वो अपने बिहेवियर से डिस्प्ले करेगा कि वो उसे लाइक करता है, ठीक है, उसने कोई भी असाइनमेंट दी, उसने कोई भी काम दिया, उसका लेक्चर सब चीज़ें वो पूरी करेगा, ठीक है, सुनेगा फोकस होके, लेक्चर भी प्रिपेयर करके आएगा, सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि वो स्टडी साइंस बिहेवियर की ऐसे बन जाती है कि वो चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम माइंड को नहीं देख सकते, हम कॉन्शियसनेस को नहीं देख सकते, हम सोल को नहीं देख सकते, लेकिन हम बिहेवियर को देख सकते हैं, ठीक है, और बिहेवियर को हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं उसके साथ कि ऐसा इसने क्यों किया, ठीक है, तो हम उसको साइंटिफिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऐसे है। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें यही है, साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके बिहेवियर से शो होता है, ठीक है, सिर्फ बिहेवियर नहीं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस,